अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। भाई तो अभी हमारा डे टू शुरू हुआ जाता है। मैं उठ गया हूँ, 8:30 बज रहे हैं। सर्दी नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा नाश्ता तैयार है, आज मैंने नाश्ता तैयार कर लिया। सैंडविच है और चाय है। और आज बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा फिनलैंड में सैलरीज के हवाले से कुछ चीज़ें, कैसे मिलती है, कितने दिन बाद मिलती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरी कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो आप लोगों ने कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछे हुए हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो काइंडली कोशिश करें कि वीडियो पूरी देखें ताकि आप लोगों को पता हो, वो आपके जो भी क्वेश्चन हों वो उसमें आंसर हो जाएं। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं नाश्ता कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह चलते हैं और अच्छी सी जगह पे बैठ के कहीं बात करते हैं। तो मुलाकात होती है थोड़ी देर में, इंशाल्लाह मैं नाश्ता कर लेता हूँ। ओके भाई, तो मैं हो गया हूँ तैयार। अच्छा, अभी एक दो तीन सवाल हैं, उनके जवाब मैं दे देता हूँ। मुझसे किसी ने यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस के टेस्ट के लिए पूछा कि यार किस तरह से प्रिपरेशन वगैरह करनी है, तो मैं किसी को वो गलत मशवरा नहीं दूंगा यार, मैं अपना ही बताऊंगा। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस का टेस्ट दिया था, ठीक है, सिनयुकी यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस का। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने यकीन करें एक लफ्ज़ कुछ नहीं पढ़ा था उसके बारे में। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि टेस्ट कैसा है, क्या है, क्या कैसा नहीं है। और मैंने सुबह उठ के बस वो टेस्ट रैंडम दे दिया था। हाँ, मैंने ये ज़रूर चेक किया था कि उसके सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं यूएस के। आप फिनलैंड लिखे, यूएएस फिनलैंड टेस्ट पेपर्स लिखें, आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट पेपर्स आ जाएंगे, सैम्पल टेस्ट पेपर्स। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के सवाल आते और किस तरह के होते हैं। बस इतना मैंने ज़रूर किया था। सुबह उठ के मैंने बस, फिर वो जब मेरे पास लिंक आया, मैंने उसको ओपन किया, अपना टेस्ट दे दिया। उसमें कुछ MCQs थे, एक अपनी वीडियो बनानी थी 1 मिनट की अपने बारे में, एक कोई वो एसे लिखने के लिए टॉपिक था उसके के अंदर, तो मैंने वो कर दिया था। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया और मैं पास भी हो गया था। आपको मैं बता देता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने और आसिया मेरी वाइफ ने दोनों ने टेस्ट दिया था हम लोगों ने, यूनिवर्सिटी का, सिनयोग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस का, और हम दोनों ही पास हो गए थे। बट मैंने उसमें फिर एडमिशन नहीं लिया, मैंने आसिया को एडमिशन दिलवाया था। तो इतना ही यार मैं जानता हूँ उस टेस्ट के बारे में, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता कि अब उसमें कोई, उसकी टेक्नैलिटीज़ क्या हैं और उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने तो भाई सुबह उठ के बस मुंह हाथ धो के वो टेस्ट दे दिया था और आधे 1 घंटे के अंदर वो टेस्ट करके मैं सो भी गया था दोबारा। तो बस इतना सा था। और इससे ज़्यादा मैं आपको बजाय गलत इन्फॉर्मेशन देने के, मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगा कि मुझे नहीं पता, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और बट मुझे इतना हार्ड लगा नहीं वो टेस्ट, में आपसे सीरियसली बता, इसलिए नहीं कि मैं बहुत कोई जहीन और फतीन आदमी हूँ, मैं बड़ा एवरेज सा स्टूडेंट हूँ। हाँ, बस दिमाग तेज़ है ना, जो कि होता है मोस्टली लोगों का, पढ़ाई में नहीं चलता बट वैसे हमारे दिमाग तेज़ होते हैं। तो इसी तरह से मेरा ये था कि भाई मैं नहीं पढ़ पाया, और मतलब पढ़ नहीं पाया का मतलब मैं खुद मास्टर्स हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, बट मतलब वो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए नहीं पढ़ पाया और मैंने उसको अल्लाह पे छोड़ दिया। और मैंने फिर अपनी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन और ये देखने के लिए कि बस टेस्ट किस तरह से होता है, बस वो किया, और उसके बाद मैंने फिर वो टेस्ट दे दिया और मैं पास हो गया था। यूनिवर्सिटी से ईमेल आ गई कि आप कब टेस्ट पास हो गया और यूनिवर्सिटी एडमिशन देने के लिए तैयार है आपको और ये वो। तो खैर, फिर मैंने उसको आगे नहीं प्रोसेस किया और आसिया का प्रोसेस करा दिया। तो इसके बारे में मैं इतना ही जानता हूँ भाई, माजरत के साथ मैं इतनी ही डिटेल दे सकता था आप लोगों को यूएएस के बारे में। बाकी किसी और जगह से आप मालूम करना चाहें तो कर सकते हैं, या आजकल तो गूगल है यार, इतनी चीज़ें हैं आप मालूम कर लें। तो मैं तैयार हो गया हूँ अभी, इंशाल्लाह बस काम के लिए निकलते हैं। फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें, मेरे पास कमेंट्स हैं मुझे जो याद आते रहेंगे, मैं उसको आप अपनी वीडियो के अंदर ही बताता रहूँगा। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? तो भाई आधा ऑलमोस्ट दिन गुजर गया है और ये मेरे लेंस के ऊपर पानी आ गया है। 1 मिनट, मैं ज़रा अपने लेंस के ऊपर से पानी हटा दूँ। अच्छा जी, तो बारिश हो रही है और मैं भी पैक था अभी, ज़रा मैंने अपने आप को थोड़ा सा खोला है। तो बात यह है कि जैसे मैंने पहले बताया सुबह के, मैं आप लोगों को बताऊंगा फिनलैंड में सैलरीज वगैरह के हवाले से।
मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को ये कि पर आवर रेट जो होता है वो कितना होता है, और 12.5 यूरो, 10 साढ़े 10 यूरो से 12 साढ़े 12 यूरो, और एज़ पर योर एम्प्लॉयर ये होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको एक और मज़े का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। फिनलैंड के अंदर 2 बार सैलरी मिलती है, मतलब फिनलैंड में मंथली सैलरी नहीं होती, हर 15 दिन बाद आपको सैलरी मिलती है। तो ये बेसिकली इन लोगों ने इसलिए किया है कि आप अच्छे तरीके से अपने खर्चे वगैरह चला रहे, क्योंकि नॉर्मल लोगों की शायद ये आदत होती है ना, जैसी सैलरी आती है तो आधे से ज़्यादा तो उसी वक्त खर्च हो जाती है। तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको डिवाइड किया है, और इसमें होता ये है कि जितना भी आप 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक अर्न करते हैं उसकी सैलरी आपको 25 तारीख को मिल जाती है, और जितना आप 16 तारीख से लेके 30 या 31 तारीख तक अर्न करते हैं उसकी सैलरी हर महीने की 10 तारीख को आती है। तो मतलब 2 सैलरी आती हैं आपकी हर महीने, एक आती है 10 तारीख को अराउंड, और एक आती है आपकी 25 तारीख को। तो इससे आपका महीना बहुत अच्छा निकल जाता है। तो खैर, मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ अगर, पता नहीं मेरा मोबाइल इससे इंसाफ कर रहा है शायद नहीं कर रहा, बट एक बड़ा हॉलीवुड मूवीज़ वाला सीन लग रहा है। बहुत खूबसूरत मौसम है और इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। आज टेम्परेचर अच्छा है, 1 के करीब टेम्परेचर है, तो इसलिए वो बर्फ़बारी बारिश में कन्वर्ट हो गई है, और मेरे कैमरे के ऊपर बार बार जो है ना वो आ रहा है। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ, स्टिल वर्किंग, और इंशाल्लाह दोबारा में फिर मुलाकात होती है आप लोगों के साथ। भाई आज तो ऐसी हालत ख़राब हुई है ना, ये देखने में सारा गीला हो रहा, इवन मेरे जूते भी बेचारे गीले हो गए। और अभी अब हम जाते जाते दूध और प्यास ख़त्म हो गई है तो वो ले लेते हैं, फिर घर चलते हैं। बहुत हालत ख़राब है, सब भीग गया हूँ मैं। ये आ गया प्यास का पैकेट, 1.49 यूरोस की प्याज है ये। ये ले लेते हैं, एक मैंने छोटा सा पीनट का पैकेट भी उठा लिया अपने लिए अय्याशी। ये आ गया दूध, ये और अभी मैं चलते हैं सेल्फ बिलिंग की तरफ, इसको करते हैं स्टार्ट, और बस आपने यहाँ पे उठा के ये दूध रखना, ये खुद ही आप कैप्चर कर लेगा। मेरे पास 2 दूध हैं तो मैं यहाँ पे 2 दूध रखा लूँगा। इस तरह से आपका बिल आराम से बन के आ जाता है, आपको लाइन वगैरह में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेरा बिल हो गया। तो भाई घर आ गए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बारिश थी और बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, ठंड तो खैर थोड़ी सी कम थी बट बारिश थी। आज तला उदास है, नहीं तो अभी मैं घर आया तो तला कहने लगा कि मैं आज उदास हूँ, घर वाले याद आ रहे हैं उसको। मैंने बोला कोई बात नहीं, ऐसे ही ना ये घूमता रहता है वो चीज़ ना, कभी इसको होता है कभी उसको होता है, फिर मेरे पे आता है कभी, ऐसे ही है ये वाली चीज़ घूमती रहती है। तो खैर अभी हम खाएंगे खाना, ये हमारा दाल गोश बचा हुआ है, और इसमें हमारा कल का थोड़ा सा जो है वो अचार गोश भी बच गया था, और आज आसिया ने बनाया है लोबिया, नहीं तलहा ने बनाया है लोबिया। कल मैंने अचार गोश बनाया था और तलहा ने बनाया था लोबिया। तो बस ऐसे ही मिल मिला के हम लोग अभी खाना खाएंगे इंशाल्लाह। और आज मैंने आपको अच्छी बात बताई है कि आपको फिनलैंड में 2 बार सैलरी मिलती है महीने में तो ये बहुत अच्छी बात है। तो खैर इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अभी व्लॉग ख़त्म करते हैं, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट करके पूछिएगा, ताकि उसका फिर मैं अगले व्लॉग में आप लोगों को जवाब दूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।